हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। यहाँ पे अदिति सो रही है। यहाँ पे अभी जो है शायद 6:30 हो रहा है और अदिति सो रही है। आज मतलब बहुत सोई है, दोपहर को 3 घंटा सोई है, फिर भी पता नहीं अभी सो रही है। शायद उठ जाएगी आधा घंटा सोने के बाद। तो प्लीज इतना परेशान करती है कि क्या ही बोलूँ खाने के लिए। सुबह मतलब दोपहर को उसको जब राख सुबह तो नहीं खाई बिल्कुल, फिर आगे जब खिला रहे थे वो हाफ खाई, फिर जब मैं दलिया खिला रही थी दोपहर को उसको लंच में, तो उसको भी वो हाफ खाई। तो ऐसे ही करती है, आधा अधूरा खाती है, पूरा नहीं खाती है। और वो तो मुझे लग रहा है शायद ब्रेस्ट मिल्क तो मिल जाता है, इसके वजह से वो नहीं खा रही है। तो गाइस और एक चीज है, मतलब इतना मेरा डैंड्रफ होता है कि लगता है 24 मंथ 12 मंथ जो है मेरा डैंड्रफ रहता है। साल में 12 महीने मेरा डैंड्रफ रहता है। तभी मुझे एक डैंड्रफ का सोल्यूशन मिला है, वो है माय कैफिन का जो स्क्रब है। ये स्क्रब है स्कैल्प स्क्रब, उसको आप यूज कर सकते हैं। देखिए ये नहीं बोलूंगी उसको यूज करने का मतलब 100% जो है मतलब डैंड्रफ नहीं होता है, बट जिस दिन आप लगाते हो उस दिन पूरा डैंड्रफ 100% डैंड्रफ क्लियर रहता है। आप उसको लगाने का 1 वीक तक खींच सकते हैं, उसके 1 वीक तक फिर डैंड्रफ नहीं होता है। अगर जिसका ज्यादा डैंड्रफ है तो उनको 1 वीक तक जाता है, अगर जिसका कम डैंड्रफ है उनको और ज्यादा दिन जा सकता है। जैसे मेरा तो बहुत ही डैंड्रफ है, वो स्क्रब स्कैल्प स्क्रब लगाने के बाद 1 वीक तक मुझे फिर डैंड्रफ नहीं होता, उसके बाद फिर धीरे धीरे होने लगता है। तो उसको आप जो है, मैं तो उसको 15 दिन में एक बार यूज करती हूँ, उसको आप यूज कर सकते हैं। लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और माई कैफिन का बहुत सारा ऑफर भी चल रहा है, बाय वन गेट वन वगैरह, 999 में मतलब 1,000 में 3 प्रोडक्ट, ऐसे बहुत कुछ ऑफर चल रहा है। मैं वो लिंक दूंगी, आप वहां पे जाके एक बार चेक कर सकते हैं। तो मुझे तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। मैं और मेरे बहन तो हम दोनों उसको यूज करते हैं। मतलब अभी नहीं, लास्ट लग रहा है जैसे 2-3 साल से ही, 3-4 साल से ही मैं उसको यूज करती हूँ। कोई मतलब नहीं होता है कि आपका हेयर फॉल होगा, कोई साइड इफेक्ट अभी तक मुझे नहीं दिखा है। और मैं जिसको भी रेफर करती हूँ वो लोग भी यूज करते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं ऐसा रिजल्ट मिला है। तो आप चाहे तो एक बार देख सकते हैं अगर किसी का ज्यादा डैंड्रफ हो रहा है। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? ये अभी नहीं खा रही है, पता नहीं, मैं 1 घंटा से बैठी हूँ, रागी दे रही हूँ, रागी बनाना यहाँ पे है, हाफ खाई है और नहीं खा रही है। इसको पकड़ के मैं बैठी हूँ और ये बोतल से खेल रही है। अभी तक जो है मेरा नहाना नहीं हुआ है, 11:30 हो रहा है, पता नहीं कब क्या होगा। कभी भी मतलब खाने के लिए पता नहीं, सुबह में भी नहीं खाई ओट्स था और अभी भी इसको खाने में इतना झिंझट कर रही है। 45 मिनट तो हो ही गया है, उसका आधा खत्म हुआ है। उसको ढक्कन लगा रही है, नहीं हो रहा है इसलिए रो रही है। तो मैं क्या करूं बेटा, कभी कभी लगता है मैं पूरा पागल ही हो जाऊंगी, इतना मतलब परेशान करती है कि क्या ही बोलूं। घर पे तो और भी काम रहता है ना, और ये जो है खाती ही नहीं है, 2 घंटा 1.5 घंटा तो लगता ही है। देखो क्या करूं, ओ गॉड सेव मी। मुंह में पूरा रख के ही रहेगी, अभी भी इसका मुंह में है। ये ऐसे मुंह नहीं खोलेगी, जब मुंह में उसका रहता है ना ऐसा करते हैं तो खोलती नहीं है, रोने लगती है। सॉरी 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 सॉरी। सुबह मतलब उसको थोड़ा सा लेके गए थे सुबह घुमाने के लिए स्ट्रॉलर में, फिर आके खाना खा, उसको खिला के फिर सोई थी। उठ के अभी उसका नहाना हो गया है, फिर खा के वो सोएगी, मैं जाके अपना नहाऊंगी, कुछ काम करूंगी। पता नहीं क्यों ऐसे कर रही हो पागल लड़की। ये लो ये लो ये लो ये लो
मुंह में, लेकिन ले लो ना मामू, खाए दे खाए दे मामा। तो ऐसे ही करती है अदिति, बहुत परेशान करती है। और अभी सोई है, अभी वो सोई है, मैं जागे बर्तन धो के, खाना रात का जो है डिनर लगभग बन चुका है, सिर्फ रोटी बनना है, वो मैं बाद में बनाऊंगी। उसका पापा आएंगे, वो उठेगी, उसको खिलाऊंगी, उसका पापा आएंगे उसके पास, उनके पास उसको छोड़ के फिर मैं जाके रात का जो है रोटी बनेगा। तो भाई दिन भर कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है, काम के लिए मैं, और वीडियो तो बनाना मतलब मुश्किल ही हो जाता है। कभी थोड़ा टाइम मिलता है चलो थोड़ा सा वीडियो बना देती हूँ, ऐसे ही करके मैं वीडियो बनाती हूँ। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय।